वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मंथली करंट अफेयर्स 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 सेकंड वीक अप्रैल टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, स्टेट पुलिस एंड अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए और हमारा चैनल एमजी मनीष गुरु को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ग्लोबली? ऑप्शन 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। इसके थीम क्या है, इयर्स ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, इयर्स ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कम? ऑप्शन रिशद प्रेमजी, यूबी प्रवीण राव, रमन रॉय, केशव आर मुर्गेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूबी प्रवीण राव। नेस्कम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कम के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की स्थापना कब हुए थे, तो 1 मार्च 1988 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेट लिफ्टर्स वेयर बैंड फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स 2021? ऑप्शन थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, बोथ ए एंड बी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थाईलैंड के कैपिटल क्या है, तो बैंकॉक है, और थाईलैंड के करेंसी क्या है, तो थाई भट। मलेशिया के कैपिटल क्या है, तो कुआलालंपुर, और करेंसी क्या है, मलेशियन रिंगिट। अगला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड वाज गिवन द एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस अंडर विच सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? ऑप्शन सेक्शंस 80G, सेक्शंस 80C, सेक्शंस 80D, सेक्शंस 80H। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्शंस 80G। पीएम केयर फंड में निर्मला सीतारमन द्वारा कितने योगदान दिए गए, तो 1 लाख रुपीज। और पीएम केयर फंड के फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस कंप्लीट प्रश्नों के उत्तर को और भी विस्तार चर्चा और स्पष्टीकरण चर्चा इंटरैक्टिव इमेज पिक्चर के साथ से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमजी मनीष गुरु की डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें, इससे आपके आने वाले एग्जाम में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट एम्स लैंड ह्यूमन ऑन द मून बाई 2024? ऑप्शन इसरो, नासा, CNSA, DRDO। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासा। नासा के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर पीएम मोहम्मद जिब्रिल पासेस अवे ड्यू टू COVID-19, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन बांग्लादेश, लिबिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिबिया। लिबिया के कैपिटल क्या है, तो त्रिपोली, और लिबिया के करेंसी क्या है, लिबियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज पार्टनर्ड विथ विच एजेंसी टू रेज $75 मिलियन? ऑप्शन JHC, SIDA, IRIS AID, JICA। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, JICA। अगला क्वेश्चन है, अच्छा JICA के फुल फॉर्म क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और पीएनबी हाउसिंग बैंक के एमडी कौन है, तो संजया गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ TDSAT? ऑप्शन शिवा कृति सिंह,
दीपक गुप्ता, संजय कृष्ण कौल, संजय राउत। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवाकृति सिंह। TDSAT के फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए 5-point एक्शन प्लान टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ऑप्शन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सर्बानंद सोनेवाल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल। ये 5 पॉइंट क्या क्या है? पहला है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क, पांचवा है ट्रैकिंग। इसको और एक बार रिपीट करते हैं, पहला है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग। इसको 5T plan भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5T plan। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के सिपाही डिलीवर्स इसेंशियल अंडर विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन PMASY, PMBJP, PMJAK, PMMSY। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, PMBJP। PMBJP के फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और PMJA के फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अगला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस फॉर क्वारंटाइन। ऑप्शन प्रज्ञाम ऐप, आरोग्य ऐप, रक्षा सर्व, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा सर्व। रक्षा सर्व। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उकई। यह रक्षा सर्व ऐप गूगल मैप की सहायता से क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक ऑफर्ड COVID-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन रिलायंस पेमेंट बैंक, HDFC पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? अनुव्रता विश्वास। और यह एयरटेल पेमेंट बैंक किसके साथ टाई अप किए गए हैं? तो जनरल भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। अगला क्वेश्चन है, एन ऑनलाइन चैलेंज कॉल्ड समाधान टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू MSMEs अप टू ₹1 करोड़। ऑप्शन सिडबी, IDBI, नबार्ड, IRDAI। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिडबी। सिडबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। और सिडबी के चेयरमैन एंड MD कौन है? मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। MSME के फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर CEO जैक डोर्से प्लेस हाउ मच अमाउंट टू कॉम्बैट COVID-19 पैंडेमिक। ऑप्शन $2 बिलियन, $3 बिलियन, $1 बिलियन, $1.5 बिलियन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, $1 बिलियन। ट्विटर के हेडक्वार्टर कहां है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, द RBI हैज इंक्रीज्ड द रेपो एक्शन अमाउंट फ्रॉम ₹25,000 करोड़ टू व्हाट अमाउंट। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, ₹50,000 करोड़। RBI के हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। और RBI के कब स्थापना दिवस है? तो 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड बाय SAARC डेवलपमेंट फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन $3 मिलियन, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, $5 मिलियन। SAARC के फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। SAARC के 8 मेंबर सदस्य। कौन कौन से हैं 8 मेंबर?
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। शार्क की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शार्क की हेडक्वार्टर काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? ऑप्शन अतुल साई, प्रयाग राजा, आशीष बोरा, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयाग राजा। अगला क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट हैज बीन डेवलप्ड बाय द जेनरिच मेम्ब्रेन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? ऑप्शन मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटेड इक्विपमेंट, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट, मेम्ब्रेन डी ऑक्सीजनेटेड इक्विपमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटेड इक्विपमेंट। ये जेनरिच झिल्ली, जेनरिच मेम्ब्रेन, यह एक पुणे बेस्ड कंपनी है। इसका फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19? ऑप्शन ई गॉट, जी गॉट, सी गॉट, आई गॉट। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, आई गॉट। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज द रिचेस्ट इन 2020 एज पर द लिस्ट लॉन्च्ड बाय फोर्ब्स? ऑप्शन मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? ये अमेजन के सीईओ है। अमेजन के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। अमेजन के कुल संपत्ति कितने हैं? अमेजन कंपनी के सीईओ की कुल संपत्ति कितने हैं? तो 113 बिलियन डॉलर। और बिल गेट्स के कुल संपत्ति कितने हैं? तो 98 बिलियन डॉलर। बिल गेट्स के को फाउंडर कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज विजडेन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, केने विलियमसन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड कोविड केयर? ऑप्शन बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरला। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खुंडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 20 फरवरी 1987 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट स्टेशन ऑन इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल वॉक थ्रू मैन सैनिटाइजिंग टनल? ऑप्शन अहमदाबाद स्टेशन, चेन्नई स्टेशन, बेंगलुरु स्टेशन, विशाखापट्टनम स्टेशन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, एडीबी एश्योर्ड ऑफ हाउ मच अमाउंट टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक? ऑप्शन 3.2 मिलियन डॉलर, 4.5 मिलियन डॉलर, 2.2 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.2 मिलियन डॉलर। एडीबी के फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। एडीबी के 68 मेंबर कंट्री हैं। एडीबी कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगा अशाकावा, मत्सुगा अशाकावा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इस कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर को और भी डिटेल्स चर्चा और स्पष्टीकरण चर्चा इंटरेक्टिव इमेज पिक्चर के साथ से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमजी मनीष गुरु के डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। इससे आपके आने वाले एग्जाम में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? ऑप्शन 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, इसके थीम क्या है? लिंकिंग रिसर्च विथ एडुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसिंग एडवाइसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। इसको और एक बार रिपीट करते हैं, लिंकिंग रिसर्च विथ एडुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अगला क्वेश्चन है,
which state government has decided to double the salary of doctors, nurses and medical professionals dealing with novel coronavirus patient? Option: Maharashtra, Telangana, Haryana, Uttar Pradesh. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा. हरियाणा, हरियाणा की सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर. और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य. हरियाणा स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए? 1 नवंबर 1966 में. और हरियाणा के कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है. अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ऑपरेशन शील्ड to curb the spread of COVID-19. Option: Punjab, Bihar, Delhi, Kerala. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली. अब देखते हैं ऑपरेशन शील्ड कैसे काम करते हैं. SHILD, एस है सीलिंग ऑफ एरिया, एस है होम क्वारंटाइन, आई से है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई से है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल से है लोकल सैनिटाइजिंग, डी से है डोर टू डोर सर्वे. इसको और एक बार रिपीट करते हैं. एस से है सीलिंग ऑफ एरिया, एस से है होम क्वारंटाइन, आई से है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई से है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल से है लोकल सैनिटाइजेशन, डी से है डोर टू डोर सर्वे. अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज फॉर राइटिंग ए बुक ऑन मिलेनिया ट्रंप. ऑप्शन: रिचर्ड पॉवेल, मैरी जॉर्डन, एंड्रयू सियन, नन ऑफ दिस. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी मैरी जॉर्डन. सॉरी. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. मेरे पास कोई पॉज ऑप्शंस नहीं है, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, हमारे साथ सहयोग कीजिएगा. चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ा रिपीट कर लेते हैं. हु इज द विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज फॉर राइटिंग ए बुक ऑन मिलेनिया ट्रंप. ऑप्शन: रिचर्ड पावेल, मैरी जॉर्डन, एंड्रयू सियन, नन ऑफ दिस. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी मैरी जॉर्डन. अगला क्वेश्चन है RBI launches Twitter campaign to promote digital mode payment. Which Bollywood actor is facing the campaign? Option: Salman Khan, Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ranbir Kapoor. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन. RBI की गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास. और RBI के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है. इस अभियान के माध्यम से RBI ने निफ्ट, IMPS, UPI, BPPS, BBPS जैसे कई डिजिटल भुगतान जो 24/7 उपलब्ध रहेंगे. कौन कौन से हैं? NEFT, IMPS, UPI, BBPS, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम. अगला क्वेश्चन है What is the rank of Indian football team in the latest FIFA rankings? Option: 130, 120, 112, 108. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 108. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? बेल्जियम. और सेकंड पोजीशन पे कौन है? फ्रांस. फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में. अगला क्वेश्चन है नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व ऑन विच डे. ऑप्शन: 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 अप्रैल. अगला क्वेश्चन है भारत बायोटेक इन द टाई अप विथ विच US बेस्ड कंपनी टू डेवलप कोरोना फ्लू वैक्सीन्स, कोरो फ्लू वैक्सीन्स. ऑप्शन: फ्लूजेन, रोचे, एबॉट, क्विस्ट डायग्नोस्टिक्स. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लूजेन. भारत बायोटेक की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है. और भारत बायोटेक की CMD कौन है? तो कृष्णा एम इल्ला, कृष्णा एम इल्ला. अगला क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनरशिप विथ
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू ऑफर हेल्थ प्लान फॉर कोविड 19। ऑप्शन अमेजन, मंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और आईसीआईसीआई की सीएमडी कौन है? तो भार्गव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जैकी ड्यूप्रीस पास्ट अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। ये जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, इन्होंने 1966 में साउथ अफ्रीका के लिए दो टेस्ट खेले थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अडॉप्टेड द रेजोल्यूशंस ग्लोबल सॉलिडरिटी टू फाइट द कोरोना वायरस डिजीज 2019। ऑप्शन WHO, UNGA, G20, G7। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, UNGA। UNGA के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। UNGA के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। UNGA कब एस्टेब्लिश किए गए? 1945 में। UNGA के प्रेसिडेंट कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनीवा में है। और WHO कब एस्टेब्लिश किए गए? 7 अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट उत्तर प्रदेश सीएम अनाउंसेस फॉर फैमिलीज ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल इफ दे लूज देयर लाइव्स व्हाइल डीलिंग विद कोविड 19? ऑप्शन रुपीज 20 लाख, 50 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50 लाख रुपीज। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ऑप्शन 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 अप्रैल। सीआरपीएफ के फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 24 जुलाई 1939 में। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी महेश्वरी, आनंद प्रकाश महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स कप 2022। ऑप्शन इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया। नेशनल फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुलालंपुर, मलेशिया में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और नेशनल फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 8 मई 1954 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द इनोवेशन चरक? ऑप्शन इंडियन नेवी, आईआईटी कानपुर, इंडियन रेलवे, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इंडियन रेलवे कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 16 अप्रैल 1853 में। इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है? वीके यादव, विनोद कुमार यादव। हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईएसआईसी हॉस्पिटल्स अक्रॉस कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड डेडिकेटेड कोविड 19 ट्रीटमेंट सेंटर्स? ऑप्शन 4, 6, 8, 10। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8। ईएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 24 फरवरी 1952 में। यह भारतीय कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। ईएसआईसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वैलिडेटेड ट्रू नेट ए ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग मशीन फॉर कोविड 19 स्क्रीनिंग टेस्ट? ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICMR। ICMR
के फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के चेयरमैन कौन है, बलराम भार्गव। ICMR के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और ICMR कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 बिंग हेल्ड। ऑप्शन स्टॉकहोम, डेवोस, वेना, मैड्रिड। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड किसके कैपिटल है, स्पेन के है। और स्पेन की करेंसी क्या है, तो यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैनल हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्रसार भारती। ऑप्शन डीडी नेशनल, डीडी रेट्रो, डीडी क्लासिक, डीडी वन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीडी रेट्रो। प्रसार भारती की सीईओ कौन है, शशि एस भीमपति। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ऑप्शन युक्ति, इंडेक्स, शक्ति, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, युक्ति। युक्ति की फुल फॉर्म क्या है, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द CMD ऑफ कर्नाटक बैंक फॉर 3 years। ऑप्शन पी जयरामा भट्ट, महाबलेश्वर MS, अशोक हरनाशली, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाबलेश्वरा MS। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कर्नाटक बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक बैंक के टैगलाइन क्या है, योर्स फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। कर्नाटक बैंक कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 18 फरवरी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स न्यू इनिशिएटिव्स फूड बैंक टू हेल्प द पुअर। ऑप्शन उड़ीसा, मणिपुर, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर के CM कौन है, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के कैपिटल क्या है, इम्फाल है। और मणिपुर से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, कैबुल लैमजो नेशनल पार्क। कौन से हैं, कैबुल लैमजो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हु डायरेक्टेड NCRB टू कंपाइल डाटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रेन एंड वोमेन विथ एन एम टू आइडेंटिफाई द एरिया प्रोन टू ट्रैफिकिंग। ऑप्शन बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। NCRB के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB कब एस्टेब्लिश किए गए, सॉरी NCRB के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबडे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज टू मेक फेस मास्क कंपल्सरी इन पब्लिक। ऑप्शन न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 1 मई 1960 में। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर को और भी डिटेल्स चर्चा और स्पष्टीकरण चर्चा इंटरैक्टिव इमेज पिक्चर के साथ से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल MG मनीष गुरु को डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें, डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। इससे आपके आने वाले एग्जाम में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ईयर नासा हैज प्लान्ड टू सेट अप आर्टेमिस द फर्स्ट ह्यूमन बेस्ड कैंपेन इन द साउथ पोल ऑफ द मून। By which year NASA has planned to set up Artemis, the first human base camp in the South Pole of the Moon? Option 2022, 2025, 2023, 2024. तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2024। NASA की फुल फॉर्म क्या है, National Aeronautics and Space Administration। NASA कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 29 जुलाई 1958 में। NASA के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। नासा के चेयरमैन कौन है, के शिवान। ये टोटल कंप्लीट
सेकेंड वीक अप्रैल 2020 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आप इसको दो तीन बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में थर्ड वीक अप्रैल 2020 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।